नमस्कार पशुपालकों, मैं आज आपको एजोला चारे की खेती के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे जो पशुधन है हमारा, वो सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, और इस योगदान में हमारे जो लघु सीमांत कृषक हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, उनकी एक आय का मुख्य जो स्रोत है वो हमारा पशुधन है। मगर है क्या कि हमारे पशुधन की जो उत्पादकता है वो बहुत ही कम है। ज़्यादातर हमारे किसान भाई हमारा हरा चारा, सूखा चारा और दाना पशुओं को देते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि किसान भाई हमारे हरा चारा और जो दाने की जो कीमत आती है उसको नहीं खर्च कर पाते हैं, क्योंकि उनकी आमदनी कम होती है। ऐसी स्थिति में हमारे उनके जो पशु हैं वो केवल सूखे चारे या हमारे जो भूसा है उस पर निर्भर करते हैं, और ऐसी स्थिति में उनका स्वास्थ्य, पशुओं की उत्पादकता, साथ में किसान की आमदनी, दोनों जो है प्रभावित होते हैं। तो इसको अगर हमको इसकी प्रभाव को कम करना है या अपने पशुपालकों की आमदनी को बढ़ाना है, तो उसके लिए हमको दूसरे जो स्रोत हैं हरे चारे के, उनकी तरफ ध्यान देना होगा। और उसमें से एक मुख्य हमारा स्रोत हो सकता है एजोला। एजोला जो है ये एक फर्न है, एजोला पिन्नाटा इसका नाम है। और जैसे हम किसान भाइयों ने देखा होगा कि धान की जो खेत होते हैं, धान के खेतों में एजोला को साथ में एल्गी, एजोला पिन्नाटा और एनाबिना एजोली, ये एल्गी दोनों मिल करके नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो करीब 25 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वो स्थिरीकरण कर सकते हैं वायुमंडल से। तो ये जो एजोला है ये है क्या, ये एक फर्न है और पानी की सतह पर फ्री तैरता है। फ्री तैरता है इसका मतलब क्या है कि इसकी जड़ें इतनी लंबी नहीं होती हैं कि नीचे मिट्टी तक चली जाएं। तो नीचे जब मिट्टी तक नहीं जाती हैं तो इसको आराम से इसको हम निकाल करके पशुओं को अपने खिला भी सकते हैं। इसकी विशेषता यह है कि ये करीब इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है, साथ में इसमें जो आवश्यक अमीनो एसिड्स हैं, खनिज हैं और विटामिन, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, बीटा कैरोटीन, ये सब इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो हमारे पशुओं के स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं।